मैं आपसे एक ऐसे प्रोसेसर के बारे में बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे शायद आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स तक हाल फिलहाल तो कभी नहीं आए, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेसर कम्प्लीटली आप लोगों की या हम सबकी जिंदगी टोटली बदल सकता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गूगल की विलो चिप की, जो एक AI कंप्यूटिंग की दुनिया में नेक्स्ट बिग रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। देखो, अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि 2 NM का प्रोसेसर भी आ जाएगा, 1 NM का आ जाएगा, लेकिन 1 NM के बाद आगे चल के क्या कहानी होगी। वेल, आगे चल के कहानी ये होगी कि आने के चल के हम लोग क्वांटम AI कंप्यूटिंग की दुनिया के अंदर, और अभी तक कोई भी कंपनी, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा परफेक्ट स्टेबल प्रोसेसर यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाया था जो यहाँ पे आने वाली फ्यूचर को दिखा सके। और गूगल की डीप माइंड रिसर्च ने ये चीज क्रिएट करके दिखा दी, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी और सुपीरियर चीज है। अब इसको देख के बात समझ में आती है कि यार, गूगल वाले क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी प्रोसेसर तो बना रहे हैं, लेकिन अपने टेंसर को अच्छा नहीं कर रहे। खैर, वो कहानी हम अलग होगी, किसी और दिन बात करेंगे टेंसर की। लेकिन गूगल की विलो चिप के बारे में बात करें तो जो विलो चिप है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसकी परफॉर्मेंस का आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो RCS एक बेंचमार्क इन्होंने रन किया था, उसको दुनिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसे रन करने में, उसे कंप्लीट करने में उसे यहाँ पे 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे। और 10 सेप्टिलियन का मतलब होता है कि एक के आगे 24 जीरो, इतने साल लगेंगे दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को चीज सॉल्व करने के लिए। और ये काम बस जो आपका गूगल की विलो चिप है ये सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अब बेसिकली देखा है तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक नेक्स्ट बिग एरा होने वाला है, और आज के समय में जो कंप्यूटर जिनपे हम काम करते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है। सबसे पहली चीज, आज के समय में जिन चीजों पे काम किया जाता है, जो बिट्स पे काम किया जाता है, वो 0 और 1 होती है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इसी पर काम करती है, और पिछले कई सालों से इसी फंडामेंटल कंसेप्ट पे लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स काम किए जाते हैं क्यूबिट्स पे। और जो क्यूबिट्स है, जो गूगल की विलो चिप है, वो 105 क्यूबिट्स को यहाँ पे सपोर्ट करती है। इसके साथ ही जो क्यूबिट्स होती है 0 1 के साथ साथ बीच में कई सारी वैल्यूज भी ले सकती है, इसलिए यहाँ पे एरर की प्रोबेबिलिटी पास में बहुत ज्यादा आती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो गूगल की विलो चिप है, यहाँ पे एरर रिडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, और ये इतनी बड़ी चीज है कि इसका यूज दूसरे फील्ड्स में भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, यहाँ पे मेडिकल इंपॉर्टेंट फील्ड है, यहाँ पे मेडिसिन की डिस्कवरी की इंपॉर्टेंट फील्ड है, यहाँ पे अलग अलग दवाइयों को टेस्ट अगर करना है, जेनेटिक सीक्वेंस डिकोड करना है वहां पे, यहाँ तक कि क्रिप्टोग्राफी, इवन दुनिया के बड़े से बड़े इंक्रिप्शन को भी ब्रेक किया जा सकता है अगर ये वाली चिप्स अगर रियल वर्ल्ड हो जाती है तो। यहाँ तक कि अगर मल्टीपल चिप्स ऐसी क्रिएट कर दी, मल्टीपल सर्वर फार्म अगर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे बिटकॉइन जैसे चीज का इंक्रिप्शन भी कोड को क्रैक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये जो प्रोसेसर, जो चिप्स आपको देखने को मिल रही है, ये अभी के समय में गूगल अपने रिसर्च पर्पस पे दिखा रहा है, और गूगल की विलो चिप इन्होंने दिखाई है, अभी भी इसको रिसर्च करेंगे और इसको और ज्यादा परफेक्ट करेंगे, और फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स को शायद ये लोग निकाले जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर सर्वर्स हो सकते हैं, और इनकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये पहला स्टेप होगा जो नेक्स्ट बिग जनरेशन, नेक्स्ट बिग कंप्यूटिंग होगी। हमें आने वाले कोई भी नजदीकी साल तक इस टाइप की टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप पे कभी देखने को नहीं मिलने वाली। ये अभी बहुत ज्यादा सुपीरियर लेवल, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर रहेगी, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे चल के इम्पैक्ट करेगी। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ एक शुरुआती कंसेप्ट है, इसके बारे में गूगल ने भी ज्यादा चीजें नहीं बताई है, लेकिन ये कंप्यूटेशन की दुनिया के अंदर एक वन ऑफ द नेक्स्ट बिग माइलस्टोन होता है, जो हमें ये दिखाएगा कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और चीजें कहां-कहां पे किस तरीके से जा सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जो टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है उसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आज के समय में आपको आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवीज, इवन कैमरास के अंदर भी आपको सिलिकॉन बेस्ड प्रोसेसर है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ग्राफीन बेस्ड प्रोसेसर्स की भी एक एंट्री होने वाली है, जिसके अंदर ये ग्राफीन बेस्ड प्रोसेसर्स होंगे, ये इनको बना पाना भी सस्ता पड़ेगा, प्लस यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे हीटिंग भी कम होगी, प्लस बेटर एफिशिएंसी भी निकलेगी, और बेटर परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी निकलेगी। हालांकि ये भी अभी रिसर्च फील्ड में चल रहा है, लेकिन ग्राफीन एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज कर हम बैटरीज पर भी और आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दोनों जगह देख सकते हैं। और सिलिकॉन वाली चीज अगर यहाँ पे रिमूव होकर अगर ग्राफीन बेस्ड प्रोसेसर्स के ऊपर भी अगर काम होता है तो वो भी एक नेक्स्ट बिग एडवांटेज होगा यहाँ पे। हालांकि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में देख बढ़ने वाली बात है कि ये किस तरीके से आती है और किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि अभी मैं जिन टेक्नोलॉजी से जिनके बारे में बात कर रहा हूँ ये मोस्टली रिसर्च फील्ड से रिलेटेड है। रिसर्च फील्ड में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रिसर्च करके ये लोग ये पता लगाए कि इसको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी वो रहती है जिसमें पे एक कंज्यूमर इसको यूज करता है, और वहां तक आते आते हर एक चीज में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा गैप लगता है, और कंज्यूमर तक जब कोई भी चीज आती है तो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और पॉलिश हो चुकी होती है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेज है इनका, और इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के लिए जो चीजें रहती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी इस डायरेक्शन में ज्यादातर काम करती नहीं है। गूगल की जो डीप माइंड
रिसर्च लैब है, उन्होंने यहाँ पे गूगल की विलो चिप और एआई कंप्यूटिंग के बारे में बात करी, क्योंकि गूगल ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में काम करता है और उनके बारे में बात करता है। वो कभी ये नहीं सोचता है ऐसी चीजों करने में कि इसका हम अपने पर्सनल लेवल पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। टेंसर उनके लिए कंज्यूमर ग्रेड प्रोडक्ट था, क्योंकि उन्हें कंज्यूमर्स के लिए रेडी टू यूज प्रोडक्ट उन्होंने बनाना था, लेकिन विलो चिप कंज्यूमर रेडी नहीं है, इसका यूज वो अलग और दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। हो सकता है कि कॉर्पोरेट्स इसका यूज करें, B2B इसका यहाँ पे ज्यादा यूज केस हो, लेकिन कंज्यूमर तक जो टेक्नोलॉजी आती है वो काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुकी होती है। लेकिन हाँ, एक बार बता सकता हूँ, आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई या फिर आपके ग्राफीन डेस्क प्रोसेसर हो गए, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारी चीज को काफी ज्यादा बेटर करने वाले हैं। तो यार ये कुछ कहानी चल रही है मार्केट में। देखा है तो ऐसा नहीं कि प्रोसेसर के अंदर सिर्फ इंटेल या कॉलकॉम ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें लगी रहती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन जो फ्यूचर होगा आने वाले समय में वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। बाय द वे ये कुछ चीजों के बारे में बात करिए, अगर इनके बारे में कभी कुछ डिटेल या कुछ अगर आप जानना चाहें तो उसके ऊपर और बात कर सकते हो। तो नीचे अपना जो ओपिनियन और जो राय रहती है जरूर से नीचे कमेंट बताएं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।